Hello everyone, this is Mukund Kumar. I secured All India Rank 54 in this year's Civil Services examination. This was my first attempt and I'm very happy to share with you all that I could make it in my maiden attempt. And here I'd like to thank the Chanakya team I was part of interview guidance program and I appeared for interview at Chanakya twice, and feedbacks were really very helpful. And first time, whatever feedback I got, I worked on it, and by second time I was really prepared. So that was really, really helpful, and I just like to say thank you to whole team and especially Mr. Asad for guiding us time and again. Thank you all. Best wishes. एक व्यक्ति इवनिंग वॉक में था, उसकी नजर एक घर के बाहर लैंप पोस्ट के नीचे एक व्यक्ति पे पड़ी जो कुछ ढूंढ रहा था लैंप पोस्ट के नीचे और बहुत देर से ढूंढ रहा था। इसको देखकर जो वॉक कर रहा था उस व्यक्ति को एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ढूंढ क्या रहा है। तो वो उसके नज़दीक गया और पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो आप, इतना परेशान क्यों। उसने कहा देखो ना मेरी चाबी खो गई है और मैं वही ढूंढ रहा हूँ। बोला अच्छा चलो मैं भी तुम्हारी मदद में लगता हूँ। फिर वो भी उसके साथ लग गया और दोनों मिल करके चाबी ढूंढने लगे। काफ़ी समय गुजर गया, लगभग एक घंटा गुजर गया, दोनों पसीने पसीने हो गए, परेशान हो गए, लेकिन चाबी नहीं मिली। इसको देखकर जो वॉक करने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि भाई साहब आप श्योर हैं कि आपकी चाबी यहीं खोई है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली चाबी मेरे घर के अंदर खोई है, लेकिन चूंकि यहाँ लाइट ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको सुनकर लगेगा कि शायद ये एक अनोखी कहानी है, ऐसी नहीं है। आमतौर पर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा ही हो जाता है, उसका जीवन कहीं और खो जाता है, ढूंढ कहीं और रहा होता है। ये मैटर आपके रिलेशन के कारण से भी हो सकते हैं कि आपने जीवन में जो रिलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ हो, हो सकता है रिलेशन की समस्या बहुत पीछे कहीं टूट गई है जो उसको आपने ठीक नहीं किया और उसको करेक्ट करने के लिए कहीं और ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके करियर में भी हो सकता है कि करियर में आपको जो कुछ करेक्ट करना था उसके फंडामेंटल्स पे आपने काम नहीं किए और आगे आगे ढूंढते चले जा रहे हैं जो आपको मिल नहीं रहा है। और यही आपके बिजनेस में हो सकता है, निजी लाइफ में हो सकता है। ये समस्या आमतौर पर मनुष्य को घेरे रखता है। यहाँ समझने वाली बात है इस कहानी से कि आपको जो ढूंढना है वो यहाँ नहीं कि जहाँ ज़्यादा चमक धमक है या लाइट है वहाँ ढूंढें, इसकी जड़ पे जाना जरूरी है, इसके रूट्स पे जाना जरूरी है कि आखिर है कहाँ। और हमेशा एक रियलिटी को फेस करने की एक आदत होनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान जो है हमेशा अपने बाहर कुछ ढूंढता रहता है, चाहे उसकी खुशी हो, चाहे उसका सफलता हो या एक नए जीवन की तलाश, वो कभी नहीं कोशिश करता, उसके अंदर ही है। ऑल ट्रेजर्स ऑफ हैप्पीनेस आर सक्सेस आर विद इन दिस माइंड। जितनी भी दुनिया की सफलता और स्वतंत्रता खुशी के राज हैं वो हमारे दिमाग में, यदि हमने उसके अंदर अपने आप को नहीं ढूंढा तो पूरी दुनिया हम ढूंढ जाएंगे, हमें कहीं नहीं मिला। ये कुछ इसी प्रकार से जैसे कि कबीर ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाए। उन्होंने तो ईश्वर की तलाश में ये खूबसूरत पंक्तियां लिखी, लेकिन आप जहां भी इसको फिट करना चाहें ये पंक्तियां आपके जीवन में बिल्कुल साकार उतरेंगी। कि आमतौर पर इंसान सारी दुनिया में ढूंढ लेता है कि हमारी खुशी कहाँ होगी, हमारे रिलेशन में बेटर क्या होगा, हमारा सक्सेस क्या होगा, लेकिन सारा राज उसके अंदर छुपा होता है। वैसे ही जैसे कि एक हिरण के नाभि में कस्तूरी बसा होता है और जंगल में भटकता रहता है उस खुशबू के मिराज में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होना है वो अपने अंदर होना है। और जो आपका कोर पर्सनैलिटी है वो आप हैं, आपका रियल सेल्फ है, और जो माइंड है, जो बॉडी है और इंटेलेक्ट है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब तक हम अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने इंटेलेक्ट का भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चारों को मिलाकर हम अपने बाहर की दुनिया के झांक सकते हैं, और यही इस कहानी का एक सारांश मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने आप में अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करके समझने का पूरा मौका मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत है। मैंने इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 72वीं रैंक हासिल की है, और इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है।
और इसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ आपको एक रियलिटी चेक देते हैं इंटरव्यू से पहले। अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं तो उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो थ्रू मॉक इंटरव्यूज़। और इसी कड़ी में मैं चाणक्य IAS अकेडमी का रोल बताना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा जो आखिरी इंटरव्यू मैंने दिया था मॉक इंटरव्यू वो चाणक्य IAS अकेडमी में दिया था, और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ का बोर्ड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल बोर्ड था वो, और वहाँ पे मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मेरी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, और जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली रिप्लाई किया तो मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बिकॉज UPSC में भी एक्चुअल में आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से ठीक एक हफ्ते पहले मेरे इंटरव्यू के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई थी, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, और जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू के अंदर गया तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द वेरी एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा थ्रू आउट द इंटरव्यू, और इसी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स भी हासिल हुए जिसके थ्रू मुझे इस बार IAS में रैंक मिला है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।